हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू परिधि ब्लॉग। आज मैं परिधि के लिए सरप्राइज़ है कुछ। आज मैं परिधि के लिए उसकी कुछ फेवरेट्स सब्जी लेके आया हूँ और उसके कुछ फेवरेट्स, वो खरबूजा खाती है और तरबूज खाती है, मैं आज उसके लिए कुछ लेके आया हूँ। ठीक है, अभी वो सो रही है और आज उसके लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं मंडी जा नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ ड्यूटी लॉकडाउन मंडी बंद थी। तो आज मैं वैसे ही नॉर्मली गया था, तो आज मैं उसके लिए बहुत कुछ लेके आया। तो मैं आपको एक छोटा सा क्विक लुक देता हूँ, बाकी वो उठेगी तो उसके लिए एक सरप्राइज होगा। जस्ट अ मिनट, मैं आपको क्विक लुक देता हूँ। देखो, ये भिंडी है, भिंडी उसको बड़ी पसंद है। ठीक है, इसलिए मैं उसके लिए एक हफ्ते की भिंडी इकट्ठी ले आया हूँ, 5 किलो। और ये टमाटर, ये कद्दू है, कद्दू उसके बड़े फेवरेट है। ये भी मैं कम से कम 20 केजी के आसपास मैं कद्दू ले गया उसके लिए आज। ये शिमला मिर्च है और ये ऑल्सो तरबूज है इधर साइड में। और मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज, वेट अ मिनट। तो सब आप सबने देखा, मैं उधर बोला नहीं क्योंकि उधर वो सो रही थी और कट्टा भी उधर ही पड़ा हुआ, जो मैंने आपको उसका दिल दिखाया। ठीक है, ये एक हफ्ते की उसकी डाइट है, एक हफ्ते के लिए मैं उसके लिए लेके आया हूँ, बाकी कंटिन्यू करेगी वही। ये तो मैं उसके लिए एक सरप्राइज था, जब उठेगी जब देखते हैं। प्रिंसी 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 प्रिंसी, सुन, इतने खा लेगी, देखियो इतने तरबूज खा लेगी, नहीं ये इतने खा लेगी, ओए इतने खा लेगी, हैं खा लेगी इतने, प्रिंसी खा लेगी इतने तरबूज, हैं बहुत है इतने, लो जी उठ गई है। हाँ भाई, ये कैसे लगे तुझे, कितने हैं, बहुत है, हैं बहुत है तरबूज, है? आजा बाहर और दिखाता हूँ तेरी फेवरेट चीज। आजा, जो देख क्या है, कद्दू, तेरे फेवरेट कद्दू। ठीक है, और भिंडी बहुत है तेरी, देखियो आज मदर्स डे है तो केक तो बनाना बनता ही है। तो मैंने सोचा कि मैं कितने दिनों से बोल रही हूँ, मैंने अपने बहुत पुराने व्लॉग्स में भी बोला था कि मैं आपको अपने केक की रेसिपी दिखाऊंगी। सो आज मैं मदर्स डे पर आपको केक की रेसिपी भी दिखा देती हूँ कि मैं कैसे केक बनाती हूँ, बाकी जैसा आप बनाना चाहें आप वैसे बना सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी सो रही है, फिर उठगी तो फिर कैसे बनाएंगे, सरप्राइज कैसे होगा। तो मैंने अभी हम बहुत बड़ी मुश्किल से वहाँ ढूंढ के लाए हैं क्योंकि यहाँ तो शॉप बंद थी, तो इसलिए हम ओरियोज लेके आए हैं। ओरियो मैंने 3 लिए हैं यहाँ पर, एंड अभी मैंने इन सबको क्रश कर लेना है, वो भी अच्छे से। क्रश भी मैं ग्राइंडर में करने नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि फिर उठ जाएंगे मम्मी, तो इसलिए मैं ये और ये ले जाऊंगी, मैं इसमें एक क्रश कर दूंगी अच्छे से। तो पहले मैं क्रश कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इसके साथ परिधि सैनी जी लगी हुई हैं, अपना खून पसीना बहा रही हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब हमें क्या करना है, थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। अब हमें अपने ये मैंने मिक्सर को कर लिया है जैसा भी किया है, एंड अब आपको दूध डालना है इसमें। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कैसे डालूँ मैं। Thank you.
No, God, please, no, no! हमने मेरा पागलपन देखा। सो गाइस अभी किट्टू भी होने के लिए कुछ बना रहा है। मैं सच में बताऊं, यू विल शॉक। नहीं। आप रेडी हैं? अभी मत चलाइयो प्लीज, एक मिनट रुक जा। बस गाइस देख लो, रुक नहीं रही है, एक मिनट पकड़ेगी तो। वो दूसरी वाली बर्फ है, एक मिनट पकड़ ले। जब दोनों दिखा दिए अभी रुक जाए तो गाइस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये बना लेती है अपनी डिश, फिर हम साथ में दिखाएंगे। जो हम आपको केक दिखाने जा रहे हैं उसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। ये मेहनत लगी है अपने मैंने जो बनाया मैंने उसमें मेरी मेहनत लगी है। हाँ तो मैं केक की बात करूँ, तो मेरे की भी बात। केक अकेले मैंने बनाया और एक इसने स्पेशल बनाया। मेलन स्वीट शेक रेसिपी। अरे कहना क्या चाहते हो? रेसिपी क्या जो स्वीट शेक बनाए तो मैं आपको अपना दिखाती हूँ। देखो ये केक मैंने बनाया है, आपको हम वैसे कैमरा करके भी दिखा, वैसे कैमरा करके दिखाते हैं आपको। तो ये इसने बनाया है, और ये मैंने बनाया है। मम्मी को कार्ड भी दूंगी, ये भी मैंने बनाया है, आपको मैंने सुबह दिखा दिया था वैसे। और अब हम नाइफ लेके चलते हैं। मेरा देखो वाह, मेरा देखा ही नहीं मैंने इतनी मैं ये मैंने स्पेशली गोवा से मंगाया मम्मी आपके लिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? हम बाहर ही, अंदर अंधेरा हो रहा है। देख लिखा है मम्मी का, मम्मी मेरा केक मत। चलो चला उधर मम्मी ने कितना छोटा कट लगाया, तेरे को छोटा ही देने में फायदा है। किट्टू की सर होटल बीच में वीडियो भी बना ले, जब वीडियो बना दिए बन तो रही है। लाओ मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। मम्मी पापा अब आई मेरे मम्मी पीना इसको, ठीक है? ये किट्टू ने बनाया है, अच्छा सही नहीं बना के जोर से तो खींचो, आधे में था वो। आ गया आएगा कहाँ से?
जब सारी जान तो घूम 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 मैंने कर लिया। कैसा जोर से खींचो देहरादून वाली मम्मी और मेरी रियल मम्मी, हैप्पी मदर्स डे, लव यू ऑल। हाय, ओ बारिश हो रही है, आवाज आ रही है, पानी उड़ रहा है हवाओं में, हवा की तरह बहुत तेज है। और वो देखो वहाँ हाईवे, ओ हाईवे भी देख सकते हैं आप। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करूं। यू कैन सी येलो येलो बत्तियां जली। सबसे पहले तो आज मेरे को आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, एंड इम्पोर्टेंट बात करने से पहले आप सारी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी बुआ, मेरी मासी, सब को, मेरी चाची को भी हैप्पी मदर्स डे। एंड अगर आपको आज वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो टर्न ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल फॉर माई न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। एंड जैसा कि आपको, अगर आप मेरे व्लॉग अभी तक रेगुलर देख रहे थे तो आपको पता ही होगा हमारे चैनल पे ये अभी हमारे मतलब डेली व्लॉग चैलेंज का ये 35th व्लॉग है। एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमने पहले मेरे को लगा था कि 10 डेज हुए थे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, एंड देन हमें पता ही नहीं लगा कि कब हमारे 1 मंथ हो गया हमें डेली व्लॉग करते, एंड ये 35th व्लॉग है। So I'm really happy for that, and my channel पे total 73 videos भी होगी, and soon हमारी 100 भी हो जाएंगी, तो उसके लिए भी मैं बहुत happy हूँ। And अब से हमने सोचा है कि जैसे कि हम देख रहे थे कि आपको हमारे challenges या आपको ऐसी videos ज़्यादा पसंद आती है, वो थोड़ी funny भी लगती है, and आपको शायद हंसी आती होगी क्योंकि comment section में हंसी वाले emoji आते हैं, तो हमने सोचा कि अब हम आपके लिए एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो लाया करेंगे, क्योंकि हम अच्छी अच्छी वीडियोस डिसाइड करके उसको एडिट अच्छा करके फिर आपके सामने प्रेजेंट करा करेंगे, एंड देन फिर आपको भी मजा आएगा देखने में, तो इसलिए हमने ये सोचा है। आई होप कि ये वाला भी अच्छा जाए, भगवान जी से प्रे है कि ये वाला भी अच्छा जाए हमारा जो अभी हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि आप भी डेली डेली देख के आपने मेरा डेली रूटीन तो देख ही लिया है, अब पूरा 1 मंथ देखा होगा, आप इतने बोर ना हो जाओ। फिर भी हमने ट्राई किया कि हम इस 30 डेज व्लॉग में, यार क्या हो गया फोन को, गाइस सॉरी ये फोन परेशान करता रहता है, तो आपने देख ही लिया होगा ये 30 डेज व्लॉग में मेरा पूरा रूटीन है। हमने कोशिश की कि हम आप बोर ना हो, फिर भी हमने आपके लिए इस 30 डेज में चैलेंजेस सब कुछ लाया, तो अब हम सोचे कि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएं, अच्छे से उनको एडिट करें, क्योंकि डेली डेली व्लॉग में हम अच्छे से ना एडिट कर पाते हैं क्योंकि फिर लेट भी हो जाते हैं, तो इसलिए तब से यही आया करेगा हमारा एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग, तो प्लीज उसमें मेरे को सपोर्ट करना, बहुत प्यार दिखाना। तो तब तक के लिए बाय, एंड मिलते हैं हम अपने अब परसों मिलेंगे हम परसों मिलेंगे बाय, टेक केयर, सेफ रहो घर पे।